अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू दिस इज़ मी इरफान हुसैन एंड यू आर वाचिंग द यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद एम इसमाइल ट्यूटोरियल आई होप यू आर ऑल वेल गाइस आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जेनरिक बी एस एन सेमिस्टर वन फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के यूनिट नंबर वन नर्सिंग हिस्ट्री को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं तो आप लोगों से ये गुजारिश है कि वीडियो लेक्चर को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आप लोगों को लेक्चर सही से समझ में आ जाए एंड आई एम फुली कन्वेंस दैट इस लेक्चर को आप प्रॉपरली कंडक्ट करने के बाद आपको नर्सिंग हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी डाउट या कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी और इस अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेलाइकन की बेलाइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए क्योंकि इस चैनल पर जितने भी नर्सिंग से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है या नर्सिंग के जितने भी लेक्चर्स होते जेनरिक बी एस एन के वो इस चैनल पर मौजूद हैं सो so, लेट्स चलते हैं हम हमारी अपनी वीडियो की तरफ सो so, आप इस आ, 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 सेशन को कंडक्ट करने के बाद आप फुली एबल हो जाएंगे कि आप करेक्टरिस्टिक ऑफ नर्सिंग एज ए प्रोफेशन को आप इजीली डिस्क्राइब कर पाएंगे हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग को आप इजीली डिस्कस कर पाएंगे ग्लोबली और पाकिस्तान की मतलब बेसिस पर आई सी एन कोर्ट्स ऑफ एथिक्स फॉर नर्सिस इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्सिस कोर्ट्स ऑफ इथिक्स फॉर नर्सिस को आप इजीली डिस्कस डिस्क्राइब कर पाएंगे प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन और यूनियंस को आप ईजिली डिस्क्राइब कर पाएंगे क्वालिटी एश्योरेंस इन नर्सिंग में आप आप इजीली इसको भी डिस्क्राइब कर पाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं करैक्टेरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन यानी कि नर्सिंग एज ए प्रोफेशन आपका क्या क्या करैक्टेरिस्टिक होना चाहिए नर्सिंग अगर आप नर्सिंग है आप अगर आप नर्सिंग के प्रोफेशन से रिलेट करते हैं तो आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए आपके अंदर क्या क्या करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आते हैं अथॉरिटी टू कंट्रोल इट्स ऑन वर्क फर्स्ट ऑफ में आते हैं कि आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप जो भी काम कर रहे हैं जो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी नॉलेज को कहीं पर भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये इस इस वर्क में आपकी खुद की कंट्रोल होनी चाहिए आपको सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए आप उस अपनी काम को आ, सही से परफॉर्म कर करने की आपके अंदर ख़ुद की एबिलिटी होनी चाहिए और उसको कंट्रोल करने की आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए एक्सक्लूसिवली बॉडी लैंग्वेज बॉडी नॉलेज होनी चाहिए आपके अंदर प्रॉपर ब्रॉडली जो है ना आपके अंदर नॉलेज uh, होना लाजमी होता है एक्सटेंसिव पीरियड और फॉर्मल ट्रेनिंग आपको प्रॉपरली ट्रेनिंग मतलब लॉन्ग लास्टिंग आपका किसी प्रॉपर करिकुलम को फॉलो करते हुए आपको ट्रेनिंग देना तो मस्ट होता है स्पेशलाइज कम्पिटेंसी आपके अंदर आनी चाहिए तो स्पेश स्पेशलाइज कम्पिटेंसी यानी कि कंपिटेंसी का मतलब वो एबिलिटी होती है आपके अंदर जो आप किसी भी काम को करने की आपके अंदर एबिलिटी होती है और उसको सक्सेसफुली या एफिशेंटली आप उसको कर पाएँ कंट्रोल आवर वर्क परफॉर्मेंस यानी कि आप जो भी काम कर रहे हैं उस पर आपका कंट्रोल होना चाहिए सर्विस टू सोसाइटी एक नर्स की ये भी सोसा ये करेक्टरिस्टिक होता है कि वो जिस सोसाइटी में रह रहे हैं जिस जिन लोगों के साथ उसकी उसका उठना और बैठना हो रहा है तो वो अपनी सोसाइटी को अपनी फैमिली मेंबर्स को या किसी भी क्लाइंट्स को वो सर्विस प्रोवाइड कर सके यानी कि सोसाइटी की हेल्प करना चाहिए यानी कि सोसाइटी की जो हेल्प करने की जो हैबिट है वो आपकी प्रोफेशन को शो कर रहा है प्रोफेशन की करेक्टरिस्टिक को शो कर रहा है लीगल इन री इन्फॉर्मेंस रिन्फोर्समेंट ऑफ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, यानी कि आपके अंदर ये भी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपनी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, यानी कि जिसमें आपका नॉलेज आता है आपका स्किल आता है और आपकी जो है बिहेवियर्स आते हैं उसको लीगल तौर पर उसको स्ट्रेंथ करने की उसको मज़ीद पॉलिश करने की आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए इथिकल प्रैक्टिस जब भी आप किसी सेटअप में जाते हैं या किसी क्लाइंट के साथ आप फेस करते हैं तो उस वक़्त आपकी जो इथिकल जो इथिक्स होते हैं आपकी इथिक्स ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है दूसरे बंदे आपकी दूसरे बंदे पर शो होता है इंट्रांजिक रिवार्ड्स वो होते हैं इंटरनल रिवार्ड्स होते हैं आप अपनी काम को लेकर आप अपनी प्रोफेशन को लेकर आप ख़ुद सेटिसफाइड हो फुली आप सेटिसफाइड हो अपनी आ, अपनी काम को लेकर या अपनी प्रोफेशन को लेकर फ़र्ज करें आप अभी अभी नर्सिंग कर रहे हैं तो आपकी ये काम आपका ये प्रोफेशन आपको ख़ुद प्राउड फील हो और इंटरनली आपको सेटिस्फाइड हो आप और पब्लिक एक्सेप्टेंस पब्लिक एक्सेप्टेंस होती है जो आप पब्लिक के लिए बिल्कुल ही रिलायबल हो और आपको पब्लिक के जितने भी लोग होते हैं वो आपको फुली एक्सेप्ट कर सकें नर्सिंग एज अ प्रोफेशन नर्सिंग को अगर हम एज अ प्रोफेशन अगर आप डिफाइन करें तो क्या होगा प्रोफेशन अ कॉलिंग इन विच प्रोफेशन खुद किस चीज़ को बोलते हैं अ कॉलिंग इन विच इट्स मेंबर्स प्रोफेस टू हैव रिक्वायर स्पेशल नॉलेज बाई ट्रेनिंग आर एक्सपीरियंस आर बोथ सो दैट दे मे गाइड एडवाइस आर सेफ अदर इन दैट स्पेशल फील्ड प्रोफेशन वो एक पेशा होता है जिसके मेंबर्स ओपनली डिक्लेयर करते हैं कि उनके पास एक्वायर स्पेशल नॉलेज होती है थ्रू ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस है और और वो आने वाली जो जनरेशन है उसी फील्ड के अंदर उनको प्रॉपरली गाइड करते हैं उनको एडवाइस करते हैं और उनको सेव करते हैं उसी स्पेशल फील्ड के अंदर तो इसको हम बोलते हैं जी नर्सिंग एज अ प्रोफेशन तो अभी आप नर्सिंग कर रहे हैं तो आप अपनी आने वाली जो यंग जनरेशन है नर्सिंग फील्ड के अंदर उनको आप प्रॉपर्ली गाइड करेंगे उनको एडवाइस करेंगे और उनको इसी नर्सिंग फील्ड के अंदर उनको सेव करेंगे फ्लोरेंस नाइटिंगेल यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है ये नर्सिंग के हवाले से क्या मतलब उसकी पर्सपेक्टिव होता है तो नर्सिंग आपको पता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है वो फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग है जो कि ट्वेल्थ मई एटीन ट्वेंटी एटीन ट्वेंटी को वो इटली में पैदा हुआ था सही है? ये ब्रिटिश नर्स थी एक लेडी लेडी विथ लम के नाम से भी इसको माना जाता है आज के दौर में इसने कब अपनी नर्सिंग स्टार्ट की थी जब क्रीमियन वॉर जो कि रशिया और ऑटोमान एम्पायर के बीच में 1853 फिफ्टी थ्री टू एटीन उनके बीच में वार हो गया था एक जंग हो गई थी उसमें बहुत सारी जो सोल्जर्स जो है वो इंजर्ड हो गया था और बहुत सारे मटायर भी हो गया था तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है उनको नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते थे रात के टाइम पे और वो अपनी जो सोल्जर्स uh, को रात के टाइम पे अपने हाथ में एक लैंप लेके उनको विजिट करते थे और उनको प्रॉपरली नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते थे तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल नर्सिंग को लेकर क्या उसकी परस्पेक्टिव होता है वो कहते हैं कि नर्सिंग इज़ दी एक्ट ऑफ यूटिलाइजिंग दी इन्वॉर्मेंट ऑफ़ पेशेंट टू असिस्ट हिम इन हिज रिकवरी फ्लोरेंस नाइटिंगेल कहती है कि नर्सिंग जो है एक ऐसी एक एक्ट है जिसमें आप पेशेंट की इन्वामेंट को आप ख़ुद यूटिलाइज़ करते हैं और ताकि उसकी रिकवरी में उसकी हेल्प आउट हो सके तो इसको हम फ्लोरेंस मॉडल uh, फन इन्वामेंटल मॉडल ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल भी कहते हैं इस डेफिनेशन को हम एलेबरेट करें तो वो इस तो वो बिलीफ ये रखता है कि अगर हम किसी भी पेशेंट की या किसी क्लाइंट की इन्वामेंट को कम्फर्टेबल बनाएं क्लियर बनाएँ फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म बनाएँ तो वो उसकी ऑप्टीमल हेल्थ के लिए हेल्थ आउटकम्स के लिए बहुत ही बेनिफिट हो सकता है अगर हम नर्सिंग एज ए आर्ट्स अगर देखा जाए तो नर्सिंग जो है एक आर्ट भी होता है तो ये जो है वाइवा के वाइवा की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे जाके आपने नर्सिंग एज अ आर्ट एंड नर्सिंग एज ए साइंस किस तरह आप डिफाइन कर पाएंगे नर्सिंग एज अ आर्ट इज़ द आर्ट ऑफ केयरिंग सिक एंड वेल इंडिविजुअल इट रिफर्स टू द डायनेमिक स्किल्स आपका जो नर्सिंग जो है वो सिर्फ़ सिक पीपल के लिए नहीं है बल्कि वेल well इंडिविजुअल के लिए भी केयर होती है और ये रिफ़र्स करता है आपका डायनेमिक स्किल्स और मेथड्स पर डायनेमिक स्किल्स मतलब आप अपनी जो केयर होते हैं उसको आप चेंज भी कर सकते हैं जो कि आपकी वेल well इंडिविजुअल के लिए और सिक की रिकवरी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं बहुत ही हेल्पफुल होता है उनकी हेल्थ को मेंटेनेंस, उनकी हेल्थ की मेंटेनेंस के लिए और इसमें क्रिएटिव एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज होती है आर्ट ही इस चीज़ का नाम है जो कि जो चीज़ आप इमेजिनेशन के थ्रू आप जो चीज़ बनाते हैं या अप्लाई करते उसको आप आर्ट बोलते हैं जो कि पीपल की सर्विस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं और उनकी हेल्थ की मेंटेनेंस के लिए स्पेशली उनकी हेल्थ जो है वो मेंटेन रहेगी और उनकी हेल्थ प्रोमोट होगी नर्सिंग एज अ साइंस आप कैसे डिफाइन करेंगे साइंस आपको पता है ऐसी नॉलेज है जो कि आप ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से आप गेन करते हैं तो इट इज़ दॉडी ऑफ एबस्ट्रैक्ट नॉलेज अराइव थ्रू साइंटिफिक रिसर्च एंड लॉजिकल एनालिसिस यह एक बॉडी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज है जो कि आप साइंटिफिक रिसर्च से या लॉजिकल एनालिसिस से आप ज्ञान करते हैं साइंटिफिक नॉलेज एंड स्किल्स नॉलेज सबसे पहले आप नॉलेज गेन करते हैं और उस नॉलेज को आप स्किल्स की फॉर्म में कहीं पर भी आप अप्लाई करते हैं जो कि किसी भी इंडिविजुअल की ऑप्टिमल हेल्थ की अचीवमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें डायग्नोसिस आते हैं सबसे पहले आप डायग्नोस करते हैं साइंटिफिकली और ट्रीटमेंट आप उस सिक पेशेंट के लिए अप्लाई करते हैं जो कि ह्यूमन रिस्पॉन्स टू एक्चुअल एंड पोटेंशियल प्रॉब्लम की, की ट्रीटमेंट के लिए और डायग्नोसिस के लिए यह था जी नर्सिंग एज अ साइंस अगर हम नर्सिंग आ, नर्स को डिफाइन करें तो नर्स जो है ना ख़ुद कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड ये एक लेटिन वर्ड है जो कि जिसके मीन्स है टू नोरिश और टू चेरिश टू नोरिश मीन्स किसी भी चीज को सहारा देना या परवरिश करना या चेरिश जो है दोनों सेम है वन हु केयर्स फॉर सिक द इंजर्ड एंड द फिजिकली मेंटली एंड इमोशनली डिसबल्ड नर्स वो उस बंदे को बोलते हैं जब कोई बंदा सिक uh, पेशेंट की केयर uh, करें या कोई इंजोर की केयर uh, करें या अगर फिज़िकली या मेंटली या इमोशनली डिसेबल पर्सन की कोई केयर करता है तो उसको हम नर्स बोलते हैं वन हु एडवाइस एंड इंस्ट्रक्ट इंडिविजुअल्स, फैमिलीज एंड ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज इन द प्रिवेंशन ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस एंड डिजीज एंड इन द प्रमोशन ऑफ़ हेल्थ नर्स वो होता है जो कि किसी भी इंडिविजुअल्स को या फैमिली को या ग्रुप्स को या कम्युनिटीज को वो एडवाइस करता है और उस पर उसको इंस्ट्रक्ट भी करता है क्यों करता है ताकि वो डिजीज़ हो या इलनेस हो उनकी प्रिवेंशन के लिए उनकी ट्रीटमेंट के लिए वो एडवाइस भी करता है और इंस्ट्रक्ट भी करता है ताकि उनकी हेल्थ जो है ना प्रमोट हो जाए इसको भी हम नर्स बोलते हैं एन एसेंशियल मेम्बर ऑफ हेल्थ टीम हु केयर्स फॉर इंडिविजुअल्स फैमिलीज एंड कम्यूनिटीज़ इन डिजीज एंड इलनेस नर्स उसको भी बोलते हैं जो कि किसी भी हेल्थ टीम मम्बर का बहुत ही असेंशियल मैंबर होता है जो कि इंडिविजुअल्स की भी केयर करता है इंडिविजुअल भी केयर करता है और फैमिलीज को भी फैमिलीज़ की भी केयर करता है और जिस कम्युनिटी में वो रह रहे हैं उस कम्युनिटी की भी के वो केयर करता है डिज़ीज़ और इलनेस में हिस्ट्री ऑफ़ हेल्थ केयर एंड नर्सिंग इन एंशियन सिविलाइजेशन हिस्ट्री ऑफ़ नर्सिंग एंड हेल्थ केयर मतलब यही है कि आप जो है नर्सिंग नर्सिंग और हेल्थ केयर जो है कहाँ से ओरिजिनेट हुआ किस तरह एंशियन सिविलाइजेशन में वो दौड़ रहा किस तरह वो लोग अप्लाई करते थे एक दूसरे को और किस तरह हम तक ये जो नर्सिंग है ये कैसे पहुंचा इसी को हम बोलते हैं हिस्ट्री औरिजिनेट कब हुआ और कैसे हुआ और हम तक कैसे पहुंचा लेकिन आपने एनशियन सिविलाइजेशन को आपने फॉलो नहीं करना है बल्कि आपने सिर्फ इसको आपने समझना है लेकिन फॉलो जो है आप मॉडर्न नर्सिंग को करेंगे एनशियन सिविलाइजेशन में क्या होता था फर्स्ट नर्स वो लोग जो है पुराने जो सिविलाइजेशन में क्या मानते थे फर्स्ट नर्स को फर्स्ट मदर ही मानते थे जो नर्स फर्स्ट uh, जो नर्स होता था वो अपनी मदर को मानते थे क्योंकि जब बेबी पैदा होते बच्चे पैदा होते हैं तो उसकी सबसे पहले कौन केयर करता है फीडिंग के ज़रिए उसकी मदर ही करते हैं तो वो लोग अपनी मदर को फर्स्ट नर्स मानते थे एल्स वॉज सीन एज मैजिक सीन और पनिशमेंट वो लोग क्या करते थे इल्स को मैजिक या सीन या पनिशमेंट के तौर पर माना जाते थे उनकी ओल्ड एस्टेमेंट यानी कि उनके बुक्स में ये रिफर्स करते थे कि आप डाइट्री हाइजीन और हेल्थ लॉस फॉर दी हैब्रीव है, है कल्चर का नाम है एक प्रॉपर वहाँ की कस्टम्स होती है जिन जिनको मतलब वो लोग कहते हैं कि डाइट्री अगर हमारी सही हो हम हाइजीनिक हो और हेल्थ इलाज को अगर हम फॉलो करें तो हम प्रॉपरली हम आ, हेल्थ जो है हम अपनी मेंटेन रख सकते हैं अपनी हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं और उस वक़्त जो है कोई भी नर्सिंग केयर जो है नहीं था ऑर्गेनाइज्ड नर्सिंग केयर वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था ईवोल्यूशन ऑफ नर्सिंग की बात करें तो ईवल्यूशन यानी कि चेंजिस नर्सिंग के अंदर क्या क्या चेंजेस आता है क्या 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 चेंजेस आ रहे हैं हम तक तो एज एन इंस्टिंगटिव रिस्पॉन्स टू द डिज़ायर टू कीप हेल्दी दिक जिस तरह फितरत होती है किसी भी को आ, 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 सिक पेशन को हेल्दी रखने के लिए उस कुछ उसके मतलब रिस्पॉन्स में कुछ न कुछ शो होता है तो इसी तरह नर्सिंग के अंदर भी कोई ना कोई चेंजेस आते जा रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी में चेंजेस क्या आ रहे हैं नर्चरिंग चिल्ड्रन आपने चिल्ड्रन को जो है प्रॉपरली नर्चर करना स्टार्ट किया है केयर ऑफ़ दी एल्डरली एल्डर को भी और सिख को दोनों को भी आपने केयर करना स्टार्ट किया ये नर्सिंग के अंदर क्या आया इवोल्यूशन आया है एजुकेशन में क्या है थ्रू ट्रायल इंफॉर्मेशन शेयरिंग इंट्यूशन ट्यूशन प्रॉपरली गाइड करना स्टार्ट किया है रिलीजन के बेस पर क्या है ये लोग इलनेस को क्या करते थे एक्सेप्ट तो करते थे लेकिन वो लोग सुपरस्टिशन भी थे यानी कि अभी तक वो मैजिक मानते थे इलनेस को जो है वो मानते तो थे लेकिन वो लोग सुपरस्टिशन लेते थे यानी कि ये कहीं और से आए हम इसको प्रॉपरली हम अपनी हैबिट से चेंज नहीं कर सकते वो लोग इस तरह की बिलीफ रखते थे एंशन सोसाइटीज़ में क्या होता था ये ये लोग नोमेडिक होते थे यानी कि खाना बदोश ये लोग एक प्रॉपर जगह पर प्लेस पर वो लोग नहीं रुकते थे कहीं और जाते थे तो माइग्रेशन uh, में वो हमेशा माइग्रेशन की मतलब स्टेट uh, में होते थे सोलिडेट्री फॉर म्यूचुअल प्रोडक्शन ये लोग बहुत ही यकजहती होते थे यानी एक दूसरे के साथ मिलकर होते थे अपनी प्रो, अपनी प्रोटेक्शन के लिए वो लोग हर वक्त एक दूसरे के साथ देते थे बिलीव इन दी पावर ऑफ़ गॉड्स वो लोग क्या करते थे एंशियन सोसाइटी जो है वो पावर की जो गॉड्स की जो पावर में बिलीव करते थे ब्लैक एंड वाइट मैजिक पर बिलीव करते थे वो लोग इंजीनियस ब्लैक एंड वाइट वाइट मैजिक यही है कि मैजिक uh, की टाइप्स होते जो कि आपको और इलनेस इलनेस काज करते वो भी इनमें भी बिलीव करते थे इंजीनियस टेक्निक्स ऑफ हेल्थ प्रैक्टिस इंजीनियस टेक्निक्स वो टेक्निक्स होते जिसमें आप कोई भी जीनियस पर्सन किसी चीज़ को सोचते हैं और उसकी उसको अप्लाई करते थे तो वो उसकी हेल्थ की प्रोमोशन के लिए हेल्पफुल होते थे मेडिकल एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था उस उन, ल, उन लोगों के सोसाइटी में मसाज वग़ैरह फॉर्मेंटेशन ये चीज़ें एंशियन सोसाइटीज में स्टार्ट हो गया था एनशन बेबिलियंस नाइनटीन हंड्रेड बी सी में होते थे तो ये लोग क्या करते थे कोर्ट ऑफ इन्होंने हेम्यबी फर्स्ट रिकॉर्ड ऑन दी मेडिकल प्रैक्टिस हो गया आ, फर्स्ट रिकॉर्ड है मेडिकल प्रैक्टिस में इस्टेबलिश किया उन्होंने मेडिकल फीस को डिस्करेज किया रॉन्ग एक्सपेरिमेंटेशन को स्पेसिफ़िक डॉक्टर उन्होंने कंसल्ट किया स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए राइट ऑफ पेशेंट टू चूज़ ट्रीटमेंट बिटवीन दी यूज़ वो लोग अपनी पेशेंट को ये राइट देते थे और वो समझते थे कि पेशेंट का ये हक है कि अगर वो मेडिकली मेडिसन uh, के थ्रू अपनी केयर करना चाहते हैं या ट्रीटमेंट करना चाहते या सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू अपनी ट्रीटमेंट या केयर करना चाहते ये उनकी ये उनका अपना हक है पेशेंट का नो ऑर्गेनाइज नर्सिंग केयर यानी कि नर्सिंग प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं था एनशियन इजिप्शियंस में क्या होता था उन्होंने दे डिराइव सेवन हंड्रेड थेरेपीज फ्राम मिनरल्स प्लांट्स एंड एनिमल्स एनशियन इजिप्शियंस जो है बिफोर क्रिश्चिय थ्री हंड्रेड नहीं थ्री थाउजेंड बिफोर क्रिश्चियन उन्होंने सात सौ थेरेपीज उन्होंने डिराइव किया इन्वर्ड किया कहाँ से मिनरल से प्लांट से और एनिमल से प्रिस्क्रिप्शंस वर मेड उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन स्टार्ट किया इन द फॉर्म ऑफ पील्स टेबलेट्स इंजेक्शंस इन्फ्यूजन पाउडर इनहेलेशन ई टी सी बड़ी एंड मोस्ट एडवांस था प्रियस फिजिशंस जो है ऐसी फिजिशंस को बोलते हैं ऐसी डॉक्टर को बोलते हैं जो कि आप फार्मेकोलॉजी के लिए भी उन लोगों का बिलीफ होता है और उनका बिलीव जो है रूहानियात के साथ भी होता था तो वो लोग बिलीव करते थे इविल सिप्रिस में यानी कि कोई मतलब इविल सिप्रिस यानी कि ये जादू जादू इविल सिप्रिस मतलब जो है ना ये मैजिक पर भी ये उनकी बिलीव था अ सिस्टम ऑफ कम्युनिटी प्लानिंग उन्होंने प्रॉपरली एक कम्युनिटी सिस्टम प्लानिंग बनाया जिसमें हाइजीन सैनिटेशन इम्बालमिंग यानी कि हाइजीन प्रॉपरली होते थे और सैनिटेशन होते थे और इम्बाल्मिंग और इन डेंटिस्ट्री इंबाल्मिंग वो एक प्रोसेस होते हैं मरने के बाद किसी भी बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसमें प्रॉपरली एक केमिकल यूज़ होते हैं जिसे हम फॉर्म एलिहाइट बोलते हैं वो यूज़ करके उनकी बॉडी को प्रिजर्व करते थे डेंटिस्ट्री यानी कि दांत से रिलेटेड जो है वहाँ उनकी टेक्निक स्टार्ट किया था देर इज़ इन एविडेंस ऑफ हॉस्पिटल उन्होंने हॉस्पिटल उनके दौर में हॉस्पिटल के भी एविडेंस मिलते हैं हमें नर्सिंग रिकॉर्ड भी मिलते हैं इस एरा में डाइसेक्शन जो है ना उनके लिए प्रोहिबिटेड था मना था सो फर्दर उनके अंदर प्रोग्रेस नहीं हुआ उन्होंने टू फिफ्टी डिजीज और उनकी ट्रीटमेंट पर जो है ना प्रॉपरली उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन किया है अब हैबरीव क्या चीज़ें हैबरीव एक ऐसी कल्चर है एक ऐसी जो है ना रीजन होती है ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं जो कि उनकी जो जबान जो है वो अरेबिक के साथ मिलते हैं तो वो क्या करते थे मोटिवेटेड होते थे वो सर्वेंट ऑफ गॉड में मोजे कोड उन्होंने इस इस के दौर में हुआ था आइसोलेशन हाइजीन रेस्ट एंड स्लीप ऑफ़ आवर्स ऑफ वर्क डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रीटा डिसिनफेक्शन रेगुलेशन टू चेक एनिमल्स बिफोर ईटिंग और स्लाफ्टरिंग यह उनके दौर में ये जो इम्प्लीमेंटेशन जो है ये उनके दौर में होते थे रिलीजन के बेस पर वो लोग क्या करते थे वो लोग मीट को नहीं खाते थे यानी कि वो गोश्त नहीं खाते थे अगर गोश्त तीन दिन से ज़्यादा हो गया तो किंग गै हेल्थ पावर टू प्रियस इनकी जो प्रियस फिजिशियन जो है मैंने पहले भी बताया था उनको कौन पावर दे रहा है उनका किंग दे रहा है उनके जो है सोसाइटी में जो है उसका प्रॉपर एक लेवल होता था प्रियस फिजिशियन जो है वो हेल्थ इंस्पेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था बेसिक नर्सिंग प्रैक्टिस वर एग्जिस्टिंग बेसिक जो नर्सिंग के प्रैक्टिस जो है वो उनके दौर में शुरू हुआ था वो लोग क्या करते थे प्योरीफिकेशन ऑफ मैन एंड हिज फूड वो लोग प्रॉपरली मैन को भी प्योरीफाई करते थे और उसकी फूड को भी प्योरीफाई करते थे ताकि उनकी हेल्थ प्रोमोट हो सके उनके जो है सरकमिशन जो है ना उनके यहाँ स्टार्ट हो गया था आफ्टर बर्थ एड बर्थ के आठ दिन बाद उन वो लोग अपनी बच्चों को क्या करते थे सरकमिशन करते थे सरकमिशन एक ऐसी सर्जिकल प्रोसीजर होती है जिसमें बच्चे की जो पेनिस के जो फोर स्किन होते थे उसको प्रॉपरली मतलब वहाँ से हटा देते थे मेड एज ए सर्वाइवल फॉर हेल्थ एंड हाइजीनिक रीजन ओनली सर्वाइवल उसकी सर, हाइजीनिक रीजन के लिए वो लोग क्या करते थे सरकमीशंस करते थे यूज ऑफ फार्मेकोलॉजिकल ड्रग्स उन्होंने फार्मेकोलॉजिक जो ड्रग्स थे वो यूज़ करना स्टार्ट किया था एंशन चाइना में क्या होते थे चाइना के दौर में थ्री थाउजेंड बिफोर क्रिशन बाई देलो रिवर पेट्राइकल रोल इंपॉर्टेंस टू रूल ऑफ एटिक्वेट वैल्यू ऑफ फैमिली एज अ यूनिट उन्होंने फैमिली को एज अ यूनिट वैल्यू दिया वोमेन क्या करते थे इन्फीरियर टू वो मैन मैन को क्या करते थे वो लोग वुमेन को मैन से नीचे समझा जाता था उनकी एक ये एक प्रिंसिपल होती थी जिसमें एक्टिव होती थी मैन को एक्टिव समझा जाता था पॉजिटिव समझा जाता था और उसकी मेस्क्यूलाइन एनर्जी को पॉजिटिव समझा जाता था लेकिन वुमेन को क्या समझा जाते थे, थे वो पैसिव समझते थे नेगेटिव समझते थे फेमिनाइन एनर्जी समझते थे 2000 बिफोर क्रिश्चियन में क्या होते थे डायसेक्शन डन उन्होंने डायसेक्शन भी स्टार्ट किया सर्कुलेशन और पल्स पर प्रॉपरली इलेबोरेट किया और मटेरिया मेडिका स्टार्ट किया था उन्होंने मटेरिया मेडिका मतलब आ, आप जब ड्रग्स बनाते हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन और नॉलेज होते हैं उसको आप बोलते हैं मटेरिया मेडिका इम्पोर्टेंस टू हाइजीन हाइजीन से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट किया है स्टार्टेड रूल टू रूल ऑफ फिजिकल एग्जाम उन्होंने फिजिकल प्रॉपरली पेशेंट की या क्लाइंट की एग्जामिनेशन करना स्टार्ट किया लुक लिसन आस्क एंड फील्स टू रिड्यूस फीवर उन्होंने बाथ्स जो है सिट बाथ्स उन्होंने स्टार्ट किया था ताकि उसकी फीवर को कम से कम किया जाए टूल्व ट्वेल्व टुवेल हंड्रेड बी सी लीवर डाइट फॉर एनिमिक पेशेंट एनिमिक पेशन के लिए उन्होंने लीवर डाइट प्रॉपरली देना स्टार्ट किया नर्सिंग वॉज इम्पॉसिबल उनके फिर भी उनके यहाँ प्रॉपर नर्सिंग जो है इम्पॉसिबल था, 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 था। एशंट इंडियन के दौर में क्या करते थे फर्स्ट सिविलाइजेशन और हाईली डिवलप उन्होंने आयुर्वेदा के आयुर्वेदा यानी कि हर्बल ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था बिफोर क्रिश्चियन फाइव फिफ्टीन हंड्रेड किया उन्होंने हाइजीन को प्रॉपरली डिजीज़ प्रिवेंशन को हाँ प्रॉपर्ली उन्होंने एक्सप्लेन किया मेजर एंड माइनर सर्जरी को उन्होंने एक्सप्लेन किया चिल्ड्रंस डिज़ीज़ उन्होंने चिल्ड्रंस डिज़ीज़ को प्रॉपरली एक्सप्लेंस uh, किया और इनोकुलेशन यानी कि वैक्सीनेशन को उन्होंने एलोब्रेट किया मटेरिया मेडिका मैंने पहले ही बताया डिजीज़ ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जितने भी डिजीज होते थे उनको उन्होंने क्या किया उन्होंने सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जितने भी डिज़ीज़ और जेनिटो यूरिनो जेनिटो यूरिनो सिस्टम के से रिलेटेड जितने भी डिजीज उन्होंने क्या किया उन्होंने एक्सप्लेन किया अब शश्रोता जो है ना ये क्या एक ऐसी फादर ऑफ़ सर्जरी यह एक राइटर भी है बिफोर क्रिश्चियन फोर्टीन हंड्रेड फादर ऑफ़ सर्जरी भी माना जाते हैं इसको इन इंडिया चराका रोड एक ऐसे मतलब चरा ने क्या किया इंटरनल मेडिसिन के नाम से एक बुक उन्होंने लिख ली है इंडियन जो है न चरादा शमिता में क्या हुआ था उसने आ, ये भी एक राइटर है जिसने फॉर क्वालिटीज ऑफ़ फॉर नर्सिस को इस्टेब्लिश किया था जिसमें आपका नॉलेज ऑफ ड्रग प्रिपरेशन इसको हम ड्रग कैसे ड्रग कैसे बनाते हैं इसका एक प्रॉपर उसने नॉलेज दिया और क्लेवरनेस दिया और डिएशन टू पेशेंट्स ये और प्योरिटी ऑफ बॉडी एंड माइंड ये चार क्वालिटीज जो है वो किसने दिया है चेरेडा संहिता ने दिया था और एंशन इंडियन के दौर में हुआ था किंग अशोका जो है ना उसने क्या है क्या पब्लिक हॉस्पिटल्स मतलब उसके दौर में स्टार्ट हुआ था और विथ मेल नर्सिस मेल नर्सिस के साथ सम ओल्डर वुमेन को साथ में हॉस्पिटल्स में लिया फॉर एनिमल्स फॉर हॉस्पिटल यूनिवर्सिटीज़ बनाया और ट यूनिवर्सिटीज ऑफ टैक्सीला एंड एलेंडर में होता था जो कि बिहार में नर्सिस शूट हैव थ्री क्वालिटीज़ नर्सिस के थ्री क्वालिटीज़ होनी चाहिए हाई स्टैंडर्ड्स होनी चाहिए आपको अपनी नॉलेज को लेकर या अपनी स्किल को लेकर स्किल्स होनी चाहिए और वर्थीनेस होनी थी आपको सच्चा होना चाहिए एंशेंट ग्रीक में क्या होता था अपोलो जो कि वो लोग सन ऑफ गॉड मानते थे जो कि गॉड ऑफ हेल्थ है वो लोग इस इसके इस बिलीफ में थे कि जितने भी हम अगर हम बीमार हो जाएं तो अपोलो जो है वो हमारी हेल्थ के रिस्पॉन्सिबल है वो खुद हमें हेल्थ प्रोवाइड करेंगे औरलेसपो एंड एक्पो एक्लेपियोस जो है इनको सन ऑफ अपोलो के नाम से जाने जाते थे जिसको वो लोग गॉड ऑफ हीलिंग यानी कि जख्म जो है ना वो बढ़ने के जो उसको किसको मानते थे सन ऑफ अपोलो को मानते थे एबिकॉन को वो लोग एक्लेपियोस वाइफ्स मानते थे जो कि सूथर के तौर पर काम करते हैं हाइजिया जो है ना डॉटर ऑफ एक्लेपियोस जो कि गोडेस ऑफ हेल्थ है ये लोग उनका बिलीव था एंशन ग्रीक के लोगों में टेंपल जो है ना वो क्या हो गया बिकेम सोशल इंटेलेक्चुअल एंड मेडिकल सेंटर्स बन गया एरिस्टोटल ने क्या किया उसने आर्टरीज को वेन से बिल्कुल डिफ्रेंश किया दे बिलीव ये एंशन ग्रीक किस चीज़ में बिलीव रखते थे बर्थ एंड डेथ काजेज परमिनेंट पॉल्यूशन बर्थ और डेथ जो है वो परमिनंट जो है पॉल्यूशन पौलुश, कर रहा है पॉल्यूशन का सबब बन रहा है तो वो क्या वो लोग क्या इसमें बिलीव रखते थे वो लोग कहते थे कि टर्मिनली अगर इल पैशन है तो उसको स्ट्रीट पर ऐसे ही मरने देना चाहिए उसको छोड़ देना चाहिए उसकी मजीद केयर नहीं करनी चाहिए थी हेपोक्रेट्स जो है ना इसको हम फादर ऑफ़ मेडिसन भी मानते हैं इन फिफ्थ बी में उसने क्या किया और अपने आप में लिया वो कहते थे कि इलनेस इलने जो है वो स्पेसिफिक काजस होती है जो कि ब्लैक बाइल, येलो बाइल और रेड बाइल ये जितने भी पिगमेंट होते हैं ये हमारी लीवर में या हमारी किडनी में या हमारी स्प्लिन में प्रोड्यूस होते रहते हैं लेकिन अगर इन्हीं बाइल का अगर आ, उनकी जो अमाउंट है वो आ, आ, आगे पीछे हो जाए या कम रिलीज हो जाए या ज़्यादा रिलीज हो जाए तो वो इलनेस का सबब बनता है डिवलप ट्रम्स प्रोग्नोसिस उसने डिप किया डायग्नोस किया और, और क्योर किया यानी कि डायग्नोसिस का मतलब क्या है डिजीज़ की आपने आइडेंटिफाई है साइंटिफिकली आपने किसी भी बीमारी की आइडेंटिफाई करना यानी कि उसकी तशखीस करना इसको क्या बोलते हैं डायग्नोसिस बोलते हैं प्रोग्नोसिस किसको बोलते हैं आप जब डायग्नोस के बाद किसी चीज़ पर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो आप प्रीडिक्टिंग कुछ पॉसिबल आउटकम uh, की आप प्रिडिक्ट रखते हैं आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोग्नोसिस और क्यों बोलते हैं जी रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ जब प्रॉपरली हेल्थ रिस्टोर हो जाए उसको आप क्यों बोलते हैं एंशन रोमन्स में क्या होते थे मेडिकल एडवांसमेंट उन्होंने बोर किया कहाँ से ग्रीक से आफ्टर दे कंक वो लोग ग्रीस पर पूरी तरह गलबा पाने के बाद उन्होंने वहाँ से मेडिकल एडवांस जो है ना वहाँ से बड़ौर किया यानी कि वहाँ से लिया जितने भी मेडिकल के अंदर एडवांसमेंट उन्होंने लिया है वो वो कहाँ से किया है वो ग्रीक से लिया है वो लोग बिलीव करते थे कि लॉस्ट हेल्थ कुड भी रिस्टोर बाय दी गॉड्स अगर किसी बंदे का प्रॉपरली हेल्थ जो है वो लॉस्ट हो गया तो वो किसके ज़रिए से रिस्टोर हो सकते हैं गॉड के ज़रिए से वो प्रॉपरली दोबारा रिस्टोर हो सकती है मेड उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम बनाया ड्रिंकिंग वाटर एडिक्वेट बनाया पब्लिक बाज बनाया और हॉस्पिटल्स बनाए उनके एंशेंट रोमन्स के दौर में उन्होंने बेस्ट मेडिकल और नर्सिंग केयर को अपनी सोल्जर्स के लिए रिजर्व किया मैन और वुमेन ऑफ गुड करेक्टर डिट नर्सिंग जितने जिस मैन और वुमेन के अंदर जिस जिसके अंदर भी गुड करेक्टर अगर हो गुड करेक्टर गुड हैबिट हो पहले हमने करेक्टरिस्टिक भी बताया तो वो करेक्टरिस्टिक अगर किसी भी मेल या वुमेन मैन या वुमेन के अंदर हो तो वो नर्सिंग कर सकते हैं जिसके टू क्लासेस होते पैट्रीशंस होते और पेब्लिशियंस होते ये अपर क्लासेस है और ये लोअर क्लासेस सो ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर जो कि हमने बहुत सारी चीज़ों को स्टडी किया कंसेप्चुअली और इसके जो आ, इस यूनिट के सेकेंड जो टॉपिक है इस यूनिट का सेकेंड वीडियो लेक्चर नंबर टू जो है वो हमारे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है आप वहाँ जाके विज़िट कर सकते हैं सो इस आज की इस हवा आज की इस टॉपिक के हवाले से जिस भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो कोई इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन के ज़रिए से पूछ सकते हैं या हमारी व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए से आप हमसे पूछ सकते हैं एंड थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़